दोस्तों साल 2013 में सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ शो धरती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप इंडस्ट्री के फेवरेट हिस्टोरिकल टीवी शोज में से एक है, जिसमें यूं तो हर एक कलाकार ने दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा तारीफें हासिल की, लेकिन दर्शकों की उन तारीफों में सबसे ज्यादा तारीफें तो उस शो में नजर आने वाली अभिनेत्रियों की हुई थी, जिन्होंने अपने किरदारों में खुद को काफी अच्छे तरीके से पेश करने के साथ साथ ही अपनी खूबसूरती के जरिए भी हर किसी के दिलों पर राज किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अपने शो में अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीत लेने वाली उन अभिनेत्रियों में से कौन सी है वो अभिनेत्री जिसने खूबसूरती के मामले में बाकी सभी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ते हुए अपना नाम एक नंबर पर दर्ज करा लिया है? शायद नहीं जानते होंगे, तो कोई बात नहीं, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस शो में नजर आने वाली 10 खूबसूरत अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे और कौन है वो नंबर 1 पर वो भी बताएंगे। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और एक एक कर जल्दी से जान लेते हैं उन 10 अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 10, फलक नाज। शो में रुकैया सुल्तान बेगम की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री है फलक नाज, जिन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसमें और ज्यादा चार चांद लगाए इनके खूबसूरत से चेहरे ने और जिनकी मासूमियत को देख हर कोई इन पर अपना दिल हार बैठा। इसी के चलते इनका ये किरदार दर्शकों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। नंबर 9, रीमा वोहरा। शो में गौहर खान की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री हैं रीमा वोहरा, जो कि अपने शो में अपने मेकअप और लिबास में बेहद ही खूबसूरत नजर आई थी, तो वहीं बिना मेकअप और शाही लिबास की भी ये अभिनेत्री उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस नजर आती हैं। नंबर 8, सारिका ढिल्लों। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री सारिका ढिल्लों का भी शामिल होता है, जिन्होंने इस शो में रानी वीरबाई झाला की भूमिका निभाई थी, जिनका लुक शो में भले ही काफी ज्यादा सीधा साधा रहा हो, लेकिन असल जिंदगी में ही काफी ज्यादा स्टाइलिश और ग्लैमरस है, जो कि अपने सुनहरे रंग, कातिलाना मुस्कुराहट और अपनी प्यारी सी स्माइल से हर किसी की नजरों में बस जाती है और अपने सभी को दीवाना भी कर लेती है, जिसके चलते खूबसूरती के मामले में इस अदाकारा को इस लिस्ट में नंबर 8 पर रखा गया है। नंबर 7, आशिका गोराडिया। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री आशिका गोराडिया का भी आता है, जिन्हें इस शो में महारानी धीरबाई की भूमिका पेश करते हुए देखा गया था। बता दें कि आशिका गोराडिया अपने किरदारों में जिस तरह से समा जाते हैं, उसी तरह से अपनी खूबसूरती से भी यह हर किसी को कायल करना जानती हैं। सिंपल लुक से लेकर बोल्ड अंदाज कैरी करने में आशिका गोराडिया माहिर हैं, जिसके चलते आज उनकी गिनती भी इंडस्ट्री के टॉप स्टाइलिश और बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्रियों में की जाती है। नंबर 6, राजश्री ठाकुर। शो में रानी जया वनिता बाई की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री हैं राजश्री ठाकुर, जो कि शो में अपने दमदार किरदार के लिए काफी ज्यादा पसंद की गई थी, वहीं असल जिंदगी में ये किरदार के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनका रंग भले ही थोड़ा सा सांवला हो, लेकिन इनका यही रंग इनके नान नक्श को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, जिसके चलते लोग इनकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं और हर रूप रंग में डलने वाली इस अभिनेत्री की काफी जमकर तारीफी करते हैं। नंबर 5, मुस्कान नैंसी जेम्स। अब बात हो रही है शो में नजर आने वाली सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों की, तो इसमें भला मुस्कान नैंसी जेम्स कैसे पीछे रह सकती हैं, जिन्होंने इस शो में अपनी मीराबाई की किरदार निभाया था, जिसकी वजह थी इनकी खूबसूरती, जिसकी बदौलत ये हर लुक में अच्छी तरीके से ढल पाई, उसमें काफी ज्यादा चार चांद लगा पाई, जिसके चलते इस लिस्ट में इन्हें 5वें नंबर पर रखा गया है। नंबर 4, हीना परमार। महारानी फूल कुमारी की भूमिका निभाते हुए नजर आई अदाकारा हैं हीना परमार, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। इनके रंग से लेकर इनके चेहरे के फीचर्स हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके चलते हर कोई इन्हें देख इनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उनकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। नंबर 3, रोशनी वालिया। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अजबदे पवार नजर आने वाली बाल कलाकार थी रोशनी वालिया, जिन्होंने अपने शो में अपनी दमदार कलाकार और किरदारी को काफी अच्छे तरीके से पर्दे पर निभाया था, जिसके चलते शो में हर किसी ने इनकी जमकर तारीफी की। वहीं रोशनी वालिया टैलेंट के मामले में जिस तरह से आगे हैं, ठीक उसी तरह से खूबसूरती के मामले में सबसे आगे हैं। इनके गोरे छुटे रंग से लेकर इनके नैन नक्श काफी ज्यादा मनमोहक हैं। नंबर 2, जन्नत जुबैर रहमानी। बात हो रही है महाराणा प्रताप शो में आई खूबसूरत अभिनेत्रियों की, और उसमें जन्नत जुबैर रहमानी का नाम ना आए तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने शो में राजकुमारी फूल कंवर की भूमिका निभाते हुए हर किसी को अपनी मासूमियत और अपनी क्यूटनेस पर फिदा होने पर मजबूर कर दिया था, जिसके चलते हर किसी की जुबान पर जन्नत का ही नाम रहता था, और इसीलिए खूबसूरती के मामले में ये अभिनेत्री इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती हैं।
नंबर एक रचना पारुलकर। जी हाँ, इस शो में इन सभी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ते हुए जिस अभिनेत्री ने खुद को नंबर वन तक पहुंचाया है वो अभिनेत्री है रचना पारुलकर, जो कि शो में बड़ी अजबदे पवार की भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। इन्होंने अपने इस किरदार से टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में अपना नाम शुमार कराया, जहां एक तरफ दर्शक इनके एक्टिंग के ही दीवाने हो गए थे और अपने जहन में इन्हें बसा लिया था। इनके फेस कट से लेकर इनके चेहरे की बनावट दर्शकों के दिलों में घर कर गई थी, जिसके चलते ये इस पोजिशन में इस नंबर वन पर पहुँच पाई हैं। तो वेल दोस्तों, आपको इस सीरियल में नजर आने वाली इन सभी अभिनेत्रियों में से कौन सी सबसे ज्यादा खूबसूरत अभिनेत्री लगती है, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।